बुधवार को पिंजौर के खंड विकास कार्यालय में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को योजना के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें पिंजौर कालका में कार्यरत स्वयं सहायता समूह द्वारा गांवों के बीपीएल परिवार की महिलाओं को बुलाया गया। इस प्रशिक्षण में एलडीएम के तौर पर कार्यरत केपीए नाभ्यार ने योजना के बारे में जानकारी दी। स्वरोजगार योजना के लिए प्रशिक्षण दे रहे, तो इसमें ज़्यादातर ये मेन एक्टिविटी जो चुना है वो है कैटल, इसका डेयरी का। तो डेयरी के कैसे चलाना है, उसकी मार्केटिंग क्या, ये सारी चीज़ें इनको थोड़ा अवेयरनेस देने के लिए ये ट्रेनिंग बुलाया गया। ये बेरोजगार है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला, तो इनको स्वरोजगार में लग के आगे इनका इनकम बढ़ेंगे। और इसको ये नहीं कि एक इंस्टॉलमेंट, इसको अगर ठीक चलने के बाद सेकेंड थर्ड इंस्टॉलमेंट ऐसे भी मिल जाएगा और भी। तो ये इसका मॉनिटरिंग होता है, सेल्फ ग्रुप काम करता है कि नहीं करता, उसके बाद फर्दर सेकंड लोन भी दे सकते हैं, थर्ड भी दे सकते हैं। तो ओवरऑल एम ये है कि इनको बिलो पॉवर्टी लाइन से अबव पॉवर्टी लाइन लाए एंड स्टडी इनकम हो, इनकी इनकम जनरेट हो। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए बीडीओ राम कुमार ने बताया कि इस तरह की योजना से गरीब परिवारों को फायदा होगा। साथ ही प्रशिक्षण में योजना के बारे में विस्तार से बताया गया और उन्हें स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित भी किया गया। आज खंड कार्यालय में डीआरडीए की तरफ से स्वयं सहायता समूह के ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे गांव में निर्मित हैं उनकी महिलाओं ने और उनके सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और यहां जो भी डीआरडीए की तरफ से इन ग्रुपों को जो सहायता दी जाती है, ऋण दिया जाता है, इसके बारे में विभिन्न जो योजनाएँ हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है। और इसमें पशु विभाग से डॉक्टर और एलडीएम पंचकुला और डीआरडी के जो भी अधिकारी हैं उन्होंने सब ने इसके बारे में जानकारी दी है। और जो भी ग्रुप के सदस्य हैं उन्होंने पूरी इसमें रुचि दिखाई है और अच्छी संख्या में यहाँ महिलाओं ने और ख़ासतौर पर भाग लिया है। और मैं ये उनसे ये अनुरोध किया है कि जो भी हमारी स्कीमें डीआरडी की तरफ से चलाई जाती हैं उनका भरपूर फायदा उठाएँ। वहीं इस दौरान स्वयं सहायता समूह के कर्मचारियों को अपने कार्य को उत्साह से करने के लिए भी प्रेरित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।